नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 MRP की अगरबत्ती पैकिंग पाउचेज, जो कि आप पीछे यहाँ पे टंगा हुआ देख पा रहे होंगे। इस टाइप की पाउचेज आप अपने ब्रांड की कैसे बनवा सकते हो और आपको अपने ब्रांड की पाउचेज बनवाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, टोटल कितना खर्चा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ध्यान रहे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो भी प्राइसेज बताई जा रही है, ये केवल अगले 10 दिनों के लिए ही वैलिड है। मीन्स आज 5th अगस्त है, तो ये 15th अगस्त को ये प्राइस इनवैलिड हो जाएगी। ये 15th अगस्त तक ही प्राइस वैलिड है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरे पीछे यहाँ पे ये पाउचेस टंगी हुई है, ये 6-6 पीस की लड़ी के अंदर है। तो इस टाइप की पाउचेज यदि आप बनवाना चाहते हो अपने ब्रांड के अंदर, तो ये डबल लेयर की पाउच है और मिनिमम आपको एक डिजाइन के अंदर 200 kg पाउच बनवानी होती है, ठीक है। और पाउच बनवाने के लिए आपको सिलेंडर भी बनवाना होता है, जिसका पर कलर सिलेंडर का कॉस्ट आता है 5500 रुपये से लेके 6000 रुपये तक। वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज जैसे ज़्यादा बड़ा होगा सिलेंडर की कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। और सिलेंडर भी दो तरह के होते हैं, एक केमिकल सिलेंडर होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर होती है। तो यदि अपनी केमिकल सिलेंडर के ऊपर आप काम करवाते हो तो 4500 रुपये पर कलर सिलेंडर का कॉस्ट आएगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर के ऊपर काम करवाते हो तो 5500 रुपये से लेके 6000 रुपये पर कलर के हिसाब से सिलेंडर का कॉस्ट आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप कोई भी ऐसा पाउच छपवाते हो जिसके अंदर की 4 या 5 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 कलर हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पाउच का 4 कलर के कॉम्बिनेशन से आपका डिजाइन बना है। तो यदि आपके पाउच के अंदर 4 कलर हैं तो जो आपका सिलेंडर का कॉस्ट होता है वो 24000 रुपये सिलेंडर का कॉस्ट आएगा, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। वो सिर्फ आपका सिलेंडर का कॉस्ट हो गया, उसमें आपको पाउच कुछ भी नहीं मिल रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ सिलेंडर का कॉस्ट हो गया। इसके अलावा आप पाउच जो भी बनवाते हो, मिनिमम जो है पाउच बनवाने की जो क्वांटिटी होती है 200 kg होती है। 300 रुपये पर kg अभी का प्राइस है डबल लेयर पाउच का। तो आप मिनिमम 200 kg यदि बनवाते हो, 300 रुपये पर kg के हिसाब से 60000 रुपया पाउच का कॉस्ट हो जाता है सिर्फ, जो कि 60000 रुपये आप पे करोगे तो उसके एवज में आपको 200 kg पाउच उपलब्ध कराई जाएगी। प्लस इसके ऊपर 18% GST होती है, तो पाउच का रेट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हमेशा ही उसके ऊपर 18% की GST लगेगी। तो ये अपना 200 kg पाउच आपको बन के मिल सकता है मिनिमम। और जो सिलेंडर का कॉस्ट आता है आपके डिजाइन में जो भी कलर होगा उसके हिसाब से सिलेंडर का कॉस्ट आएगा। तो सिलेंडर का कॉस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके एवज में आपको कभी भी कोई पाउच नहीं मिलेगा, आपका सिलेंडर बन के रखा रहेगा। यदि आप चाहो तो कभी भी आपको सिलेंडर ले भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हो कि 1 kg के अंदर कितनी पाउचें जाएंगी, तो वो तो काउंटिंग वेरी करता है, डिपेंड करता है साइज वगैरह के ऊपर। बट मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ। ये जो पाउच की साइज आप देख रहे हो, ठीक है, ये पीछे जो आपके पास सामने टंगा हुआ है रेडीमेड पाउच, इस साइज की यदि आप पाउच बनवाते हो जो कि 10 रुपये की अगरबत्ती के अंदर सामान्यतः यूज करी जाती है, तो इसका आपको 1 kg के अंदर 115 से 120 लड़ी इसका काउंटिंग आने वाला है। 1 kg पाउच के अंदर 115-120 लड़ी के अराउंड ये आपको आने वाला है। पर लड़ी 6 पीसेज पाउच होंगी, तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन लगा सकते हो। बाकी जो मैं मोटा मोटी समझ पा रहा हूँ कि 60000 रुपये पाउच का जो बेसिक प्राइस हो जाता है, प्लस इसके ऊपर 18% GST हो जाएगा और अपना 24000 रुपया सिलेंडर का कॉस्ट हो जाएगा 4 कलर के लिए। यदि आपके कलर्स 5 होते हैं तो जो सिलेंडर का कॉस्ट है वो 30000 हो जाएगा। यदि कलर अपने 3 होते हैं तो सिलेंडर का कॉस्ट 18000 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो प्राइसिंग वगैरह होगी, यदि आप वो जानना चाहते हो, आप पाउच बनवाने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो कि आप कैसे ये पाउच बनवा सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे संबंधित जो भी क्वेरीज थी वो मैंने दूर कर दिया। यदि फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरी रहती हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम आपको उस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकें। तो मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।